हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या डॉग्स गोस्ट देख सकते हैं, यानी कि क्या डॉग्स भूत देख सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये सच है या फिर ये झूठ है, क्या डॉग्स सही में गोस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं और मैं भी उन बहुत से लोगों में से एक हूँ जो ये मानते हैं कि हाँ, डॉग्स के पास कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनकी मदद से वो भूत देख सकते हैं। और भूत में उसकी बात नहीं कर रहा जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं और बहुत ही बदसूरत दिखते हैं। मैं ये मानता हूँ कि डॉग जो घोस्ट देखते हैं वो कोई भूत नहीं बल्कि कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, और डॉग्स के पास कुछ ऐसे सेंसेस होते हैं जिनकी मदद से वो ये नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। एक एग्जांपल बताऊँ तो मैंने जो देखा है अपने डॉग्स के साथ, और आपने भी शायद अपने डॉग को ऐसे करते हुए देखा होगा कि वो किसी दीवार को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं या फिर किसी कोने को देखते रहते हैं, और फिर अचानक से उसके ऊपर एकदम से बार्क करने लग जाते हैं या फिर शांति से अपने मुंह को इधर से उधर कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करते रहते हैं। तो इसका मतलब होता क्या है? हो सकता है कि डॉग किसी नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहा हो या फिर उसे किसी के प्रेजेंस का एहसास हो रहा हो जिसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम ह्यूमंस अपनी आंखों से ना देख पाए लेकिन डॉग शायद उसे देख पा रहे हो, इसी वजह से वो दीवार में देख के या फिर किसी कॉर्नर में देख के चिल्लाए जा रहे हैं। आप अगर गोस्ट वगैरह की स्टोरीज ज़्यादा पढ़ते होंगे तो आपको ये काफ़ी बार सुनने में आया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो गोस्ट होते हैं वो किसी दीवार के साइड में या फिर कोने में रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉग पागल होते हैं और वो फालतू में दीवार को देख के कोने में चिल्लाते रहते हैं या फिर अपने हेड को इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होता है। आप में से शायद बहुत से लोग ये जानते हो और कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो कि डॉग्स के पास सिक्स सेंस होता है। सिर्फ डॉग्स ही नहीं, और भी जो एनिमल्स होते हैं उनके पास, सभी के पास सिक्स सेंस होता है, जिसकी वजह से वो ये पता लगा सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी अगर गलत होने वाला होता है तो उससे पहले ही उनको पता चल जाता है। जैसे कि अगर भूकंप आने वाला होता है या फिर सुनामी आने वाली होती है या फिर कुछ भी चीज़ होने वाली होती है तो उस सिक्स सेंस की मदद से उनको पता चल जाता है। और इसी के साथ डॉग्स में जो हियरिंग एबिलिटी और सेंस ऑफ स्मेल होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमंस के मुकाबले डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल 1000 to 10,000 टाइम्स ज़्यादा बेटर होता है। इनका सेंस ऑफ स्मेल इतना गजब का होता है कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो उनके हस्बैंड को शायद ये ना पता हो लेकिन वो डॉग ज़रूर जानता है कि आप प्रेग्नेंट है। और डॉग्स जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो स्मेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी नर्वस हो जाते हैं या फिर कभी हमारे डर की वजह से पसीने छूटने लग जाते हैं तो डॉग्स वो चीज़ स्मेल कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसे कैंसर डिजीज़ भी होते हैं जो डॉग स्मेल कर सकते हैं। डॉग्स या फिर एनिमल्स के सिक्स सेंस का एग्जाम्पल दे तो जब 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी तो तब कहा जाता है कि जितने भी श्रीलंकन और इंडोनेशियन एलिफेंट्स थे सब ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे पहाड़ों की तरफ, और जितने भी डॉग्स थे वो सब हिल टॉप्स पे चले गए थे और कोई भी अपने ओनर के साथ ओशन के पास या फिर बीच के पास नहीं जाना चाहता था। और जितने भी फ्लेमिंगोस थे वो माइग्रेट करते हैं लेकिन वो फिर दूसरी तरफ चले गए, हायर ग्राउंड की तरफ। और ऐसे काफ़ी एनिमल्स में बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिले थे, जैसे कि चिल्लाना, रोना, भागना इधर से उधर। और ये सब सुनामी से कुछ दिन पहले की बात है लेकिन ह्यूमंस को इस बात का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो अब आते हैं गोस्ट की बात पे कि डॉग्स गोस्ट कैसे देखते हैं। तो इस बारे में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि डॉग सही में देखते हैं या नहीं। जब भी लोग डॉग को ऐसे बिहेव करते हुए देखते हैं तो वो मजाक में ले लेते हैं या फिर सीरियस नहीं लेते कि हाँ, वो ऐसे ही देख के चिल्ला रहा होगा और हम हंस देते हैं कभी कभार। लेकिन डॉग्स ऐसा कभी कभार एंग्जाइटी, स्ट्रेस और काफ़ी चीज़ों की वजह से भी करते हैं जब वो परेशान हो जाते हैं, जैसे चिल्लाना, इधर उधर भागना। लेकिन वो दीवार में देख के या फिर किसी चीज़ को देख के ऐसे चिल्लाते नहीं रहते फालतू में। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि डॉग्स में ऐसी सुनने की एबिलिटीज़ होती है कि वो छोटी से छोटी हल्की सी आवाज़ भी सुन सकते हैं और ऐसी चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं जो हमारे लिए देखना और सूंघना या फिर स्मेल करना पॉसिबल नहीं है। और उनके पास कुछ ऐसे सेंसेस भी होते हैं जिसकी मदद से वो देख सकते हैं चीज़ों को या फिर फील कर सकते हैं। तो अगर आप कभी देखते हैं कि आपका डॉग दीवार में देख के ऐसे ही चिल्ला रहा हो या फिर रोने की आवाज़ निकाल रहा हो,
या फिर ऐसे ही हवा में एकदम स्टिल देखे जा रहा हो और अपने मुंह को धीरे धीरे इधर से उधर मूव कर रहा हो, तो हो सकता है कि उस जगह पे कोई स्पिरिट या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गोस्ट वगैरह हो सकता है। लेकिन मैं भी इस बारे में पूरा श्योर नहीं बता सकता क्योंकि इस बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डॉग्स वो टीवी वाले टाइप भूत तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज और सुपर नेचुरल पावर्स होती है जो हमारे डॉग्स स्मेल कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं और शायद देख भी सकते हैं। तो अगर आपने अपने डॉग को ऐसा करते हुए कभी देखा है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि कैसे देखा और क्या देखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।